Assalamu alaikum everybody, hope you people are fine and safe at your home. मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन रिसीव हो सके. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी. हमें चाहिए थे उसके लिए 5 टमाटर, 5 सब्ज़ मिर्चें और 6 अदद प्याज. 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए लाल कुटी मिर्च. फिर हमें चाहिए सूखा धनिया, ये तकरीबन 1 चम्मच था. हमें 5 चम्मच चाहिए हमें बिरयानी मसाला, 2 चम्मच चाहिए हमें नमक, आधा चम्मच हमें चाहिए हल्दी पिसी हुई और गरम मसाला हमें 1 चम्मच पिसा हुआ चाहिए और 1 चम्मच हमें साबुत गरम मसाला चाहिए. अब टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और प्याज आप काट लें. लहसुन और अदरक का पेस्ट आपके पास होना चाहिए 2 चम्मच. ये चिकन हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो था. टमाटर हमने काट लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें भी हमने काट ली हैं और यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट. और यहाँ पे हम आपको दोबारा से मसाला एक दफ़ा दिखाएंगे ताकि आप दोबारा इसको नोट डाउन कर लें. मसाला आप किसी भी पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिरयानी मसाला अगर घर पे बना सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है. दही हमें चाहिए 1 कप. 2 कप हमने ऑयल हमने गर्म किया पैन में और उसमें हमने 5 अदद प्याज जो हमने काट के रखे थे हमने वो डाल के इसको अच्छा सा फ्राई करना है. प्याज जब हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए, तो आप उसके अंदर में डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट. अब लहसुन अदरक के पेस्ट को डालने के बाद इसको अच्छा सा इसको फ्राई करें, इसको पकाएं. अब इसके अंदर हाँ जी प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो गया था, उसमें हम डालेंगे 5 कटे हुए टमाटर. रफली आप चॉप कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहे आप उसको काट सकते हैं. टमाटर हमारे हल्के से नरम हो जाए तो उसमें हम चिकन डाल देंगे और साथ ही हम अपनी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे. अब इस चिकन को हमने अच्छा से इस मसाले के अंदर फ्राई करना है इसके रंगत चेंज होने तक. अब हमारा चिकन जो है वो हल्का सा सुनहरी होना शुरू हो गया था तो हमने इसमें सारे मसाला जार डाल दिए थे और मसाला जार आपको हम पहले नोट डाउन करवा चुके हैं. इसमें गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है और पिसा हुआ गरम मसाला है. साथ में हल्दी है 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है, 5 खाने के चम्मच जो है वो बिरयानी मसाला है. अब इसमें हमने 1 कप जो है वो दही का डालना है और जनाब इसको हमने हल्का सा फ्राई किया और यहाँ हमने थोड़ी सी एक चेंजिंग और इनोवेशन लाने की कोशिश की. हमने इसमें 2 चम्मच जो है वो देसी घी डाल दिया था जब ये अच्छा सा फ्राई हो गया था. ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं. अब जनाब चावल हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो चावल थे. चावलों को हमने साफ़ करके भिगो के रख दिया था तकरीबन 25-30 मिनट के लिए. यहाँ हमें चावल बॉईल करने के लिए 1 दालचीनी का हमें टुकड़ा चाहिए, 1 हमें चाहिए तेज़पत्ता या तेज़पात जिसको कहते हैं, 8-9 हमें चाहिए लौंग, नमक चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच. पानी हमारा बॉईल हो गया था, हमने चावल डाल के उसको अच्छा सा बॉईल कर लिया था. ये चावल देखें, इसमें हमने तकरीबन 1 कनी चावल छोड़ देना है, यानी तकरीबन आपने 90% चावल जो है आपने पकने के लिए पकाने हैं, बॉईल करने हैं. यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने बिरयानी को अच्छा सा जो है वो डेकोर करेंगे, जिसमें हमारे पास था फ्राई किया हुआ प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च कटी हुई, फिर हमारे पास था धनिया और कुछ टमाटर और नींबू के स्लाइस हमने काट के रखे हुए थे. सबसे पहले अब हमने इसकी जो है वो तह लगानी है बिरयानी की. बिरयानी की तह लगाने के लिए सबसे पहले याद रखें कि आप मसाला डालेंगे, उसके बाद हमने बॉईल किए हुए चावल डाले और कुछ जो हमने गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें रखी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी सी जो है वो डाल दी हमने. अब इसकी तह ब तह जो है वो इसको लगाते रहें अच्छे से. ये देखिए अब हमने तह लगाई, सबसे ऊपर हमारे जो है वो चावलों की तह आ जाएगी. चावलों की तह लगाने के बाद हमारे पास फ्राई किए हुए प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, धनिया और नींबू और ये हमें तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो जर्दे का रंग पानी में या दूध में आप डाल के जो है वो चावलों के ऊपर इसको डाल दें, कहीं कहीं करके इसको डाल दीजिएगा. 5 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दें
और दम से उतारने के बाद ये देखें हमारी लजीज और मज़ेदार बिरयानी। चावल बहुत खिले खिले थे, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, कमाल बिरयानी थी। आप इसको अच्छा सा नरम हाथों से, इसको नरम चम्मच के साथ इसको हिलाने की कोशिश करें, इसको आपस में जुड़ने नहीं दें, मिक्स करें इसको। इसकी तो खुशबू ही बहुत कमाल थी। ये हम यहाँ पे कर रहे हैं डिश आउट। कमाल, देखें रंगत भी खूबसूरत और उसका जायका भी बहुत मज़ेदार। सो जनाब, यहाँ पे हमारी है बिरयानी प्लेट में, और यहाँ आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसके साथ आप कबाब बना सकते हैं, या आप रायता और साथ में आप सलाद भी बना सकते हैं। ये देखें जनाब, बिरयानी हमारी ज़बरदस्ती तैयार है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।